उन चीजों को लेकर मैंने कुछ चीजें डेवलप की है, कुछ चीजें मैंने सेटअप में लाई है। ये करते करते बहुत सारी चीजें सामने आते 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 अपना और अपने कम्युनिटी का कैसे फायदा हो सकता है, ये बूमजैम को मैंने डेवलप किया है। तो कहने का मकसद ये है कि स्टार्ट टू एंड जितने भी साथी लोग हमारे साथ जुड़े हैं या न्यू हैं, ओके, ये सभी लोग पेन और डायरी लेके रेडी रहे। कुछ स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसके माध्यम से ट्रेडिंग की दुनिया में आपको प्रॉपर एंट्री और एग्जिट पता चलेगा। सबसे पहले हम बूम जैक के बारे में मालूमात करेंगे। बूम जैक क्या है? बूम जैक क्या है? बूम जैक से रिलेटेड जो भी प्लानिंग, बूम जैक सॉफ्टवेयर स्क्रिप्ट जो हमने डेवलप की है उसके बारे में बताऊंगा। सेकंड थिंग, बूम जैक प्लानिंग इज अ कंपाउंडिंग, इसके बारे में हम बताएंगे। आगे जिन्होंने एडमिशन लिया है वो साथी पेन और डायरी लेके रेडी रहे। स्टार्ट टू एंड हम उस इंडिकेटर्स के बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद लास्ट में एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसके माध्यम से आप लोग आग बन करके या प्रॉपर तरीके से एक्यूरेसी को समझ के एक अच्छा राइट एंट्री और राइट एग्जिट निकाल सकते हैं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो आखिरी तक आप सभी लोग बने रहें और मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। मेरी सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस सर, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है सर। यस सर। वेलकम टू बूम जैक फैमिली। बूम जैक में आप सभी का स्वागत है। बूम का मतलब बूम करने वाली प्लानिंग एंड कंपाउंडिंग। जैक का मतलब झाक लगाने वाला स्क्रिप्ट जो हमने डेवलप किया है। हम आगे बढ़ते हैं। बुमजा को समझने के लिए इन टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द ट्रेडिंग मार्केट? व्हाट इज द टाइप ऑफ पीपल्स आर ट्रेडर्स? व्हाट इज अ गैम्बलर ट्रेडर? व्हाट इज अ बुमजा सॉफ्टवेयर एंड स्क्रिप्ट? ओके, कहने का मकसद यह है कि बुमजा को समझने के लिए ये तीनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो हम वन बाय वन इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द ट्रेडिंग मार्केट? आज के डेट में ट्रेडिंग मार्केट के हालात क्या है? ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर बहुत सारी एकेडमियां हैं जहां पे मार्केट के अंदर 25,000 के कोर्स है, 50,000 के कोर्स है, 1 लाख के कोर्स है, 7-7 लाख के कोर्सेस हैं। लोग ले रहे हैं कोर्सेस, सीख रहे हैं, कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग पैसा गवा रहे हैं। मोस्टली ऑफ द पीपल्स जो भी पैसा उनके पास होता है वो एजुकेशन में खर्चा कर डालते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि उनके पास ट्रेड करने के लिए भी पैसा होता नहीं है। टाइम और पीरियड बीतने के वजह से जो भी एजुकेशन उस बंदे ने लिया होता है भूल भी जाता है। कहने का मकसद ये है कि ये होता है, एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म से लोग सीखते हैं। और सेकंड थिंग, बहुत सारे ब्रोकर्स लोग आज के डेट में ट्रेडिंग सिखाने का दावा करते हैं, फ्री में ट्रेडिंग सिखाते हैं। सिखाने के बाद वो लोग अपने हिसाब से सीखते हैं, अपने हिसाब से ट्रेड मारते हैं और आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात ये है कि एक और तरीके का ट्रेडर बनता है। हम आगे बताएंगे दो तरह के ट्रेडर, किस टाइप के ट्रेडर मार्केट में चल रहे हैं। एक है एजुकेशन लेके सीखा हुआ बंदा और एक होता है लोगों के कहने पे, लोगों के सिग्नल पे, लोगों के सजेशन पे चलने वाला बंदा। मिडिल क्लास फैमिली का बंदा ट्रेडिंग की दुनिया में अपने मर्जी से तो आ जाता है किसी ना किसी के माध्यम से। तो ये सारी चीजें मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो, यस सर, थोड़ी रुक गई थी, यस अब आ रही है सर। सर। व्हाट इज द टाइप ऑफ पीपल्स ऑफ द ट्रेडर? जैसे कि एजुकेशन लेके सीखा हुआ बंदा और सेकंड थिंग, किसी न किसी के माध्यम से ये बंदा ट्रेडर बनता है। अब ये माध्यम किसी भी मार्केट का बंदा हो सकता है, इंडियन मार्केट का हो सकता है, शेयर मार्केट का हो सकता है, स्टॉक मार्केट का हो सकता है, करेंसी मार्केट का हो सकता है,
यहां तक कि क्रिप्टो मार्केट का हो सकता है, किसी न किसी मार्केट का ये बंदा होता है, किसी न किसी दोस्त यार यूट्यूबर के जरिए ये बंदा ट्रेडर बन जाता है, लोगों पे डिपेंड होके ट्रेड करता है, अपने हिसाब से अपना दिमाग लगाता है, सीखते सीखते बहुत सारे लोग अपने पैसे गंवाते हैं और अपने दिल को तसल्ली देते हैं कि इस मार्केट के अंदर हम बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे। कुछ वक्त और हालात में आने के बाद उस बंदे के दिमाग में यही होता है कि मेरे पास बड़ा फंड आएगा तो मैं और बड़ा प्रॉफिट बनाऊंगा, क्योंकि सीखते सीखते एक चीज सीखता है मार्केट का कैलकुलेशन, कितना परसेंट हमें लगाए तो कितना परसेंट आ सकता है, ये सीखने के वजह से अपने सपनों को सजाता है, सजाता है, सजाने के बाद इस बंदे को ये भी नहीं पता होता है कि मेरा स्टॉप लॉस कितना परसेंट होना चाहिए, मेरा टारगेट कितना परसेंट होना चाहिए, ये नहीं होने के वजह से ये वक्त ऐसे आते हैं उस वक्त में ये बंदा ये बन जाता है गैम्बलर ट्रेडर। ट्रेडिंग का अगर नाम मार्केट के अंदर सर्वे अगर हम करेंगे तो बहुत सारे लोग वो के सामने हम ट्रेडिंग की बात करेंगे तो हमें यही आवाजें सुनाई देती हैं कि भैया ट्रेडिंग का नाम मत ले, हमारे इतने गए, उसके उतने गए, उसके उतने गए, ट्रेडिंग ये जुआ है, ऐसा लोगों का कहना है। पर वर्ल्ड इकोनॉमी ट्रेडिंग से जुड़ी है, ये वो ट्रेडर होता है जो सिर्फ और सिर्फ लोगों पे डिपेंड होके ट्रेड करता है और गैम्बलर ट्रेडर बनकर सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों को सजाता है, गवाता है, सजाता है, गवाता है, सजाता है, गवाता है, लास्ट में एक वक्त ऐसा आता है कि इस दुनिया को छोड़कर वो बहुत दूर हो जाता है। जब उस बंदे को एजुकेशन का पार्ट अगर हम कहें तो उस बंदे का जवाब यही होगा कि भैया उस बंदे ने एजुकेशन के लिए एक भी रुपया खर्चा नहीं किया होता है, खुद का पैसा लोगों के हवाले किया रहता है, या तो लोगों के सिग्नल पे ट्रेड करने वाला बंदा इस मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कहलाता है गैम्बलर ट्रेडर। ओके, तो हम मेन मुद्दे पे आएंगे। इस बंदे को यह भी नहीं पता होता है मेरा स्टॉप लॉस कितना परसेंट होना चाहिए, मेरा टारगेट कितना परसेंट होना चाहिए। 1 लाख का अकाउंट है, 1 लाख के अकाउंट में ट्रेड लगाया, ट्रेड अगर उसके खिलाफ गया, मार्केट के अंदर 20% उसका अकाउंट माइनस है, तो इस बंदे को यह भी नहीं पता होता है कि मेरा स्टॉप लॉस कितना परसेंट होना चाहिए। ये बंदा ये भी नहीं सोचता कि चलो मेरा ट्रेड मेरे अपोजिट गया है, 20% अकाउंट का बैलेंस माइनस हो चुका है, 80% है, तो मैं भैया ट्रेड को कैंसिल करता हूँ, बाहर निकलता हूँ और नेक्स्ट टाइम 80% फंड है कवर कर लूंगा। ये बंदा मार्केट में टिका हुआ रहता है इस उम्मीद से कि मार्केट ऊपर आएगा। मनी मैनेजमेंट वीक होने के वजह से पैनिक माहौल में ट्रेड मार्कर, मल्टीप्लाई ट्रेड मार्कर, जो अकाउंट उसके 20 पॉइंट के बाद उड़ने वाले थे वो अकाउंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट में वॉश आउट हो जाता है। तो ये चीजें होती है उन लोगों के साथ जिन लोगों ने प्रॉपर एजुकेशन नहीं लिया। 99% 99% यहाँ पे आगे हम बताऊंगा कि 1% लोग ट्रेडिंग की दुनिया में सक्सेस होते हैं और 99% लोग पैसा गंवाते हैं। ये क्यों होता है मैं आगे लाइव में बताऊंगा। और सबसे पहले बूम जैक सॉफ्टवेयर के बारे में कहूंगा। tradingview.com एक ऐसा एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के अंदर 7,000 लाइंस की स्क्रिप्ट जो हमने डेवलप की, बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स है, एआई इंडिकेटर्स है, चैटजीपीटी इंडिकेटर्स है, जो टॉप मोस्ट इंडिकेटर्स मार्केट में चल रहे, ये सारे इंडिकेटर को एक साथ में लाकर हमने उस स्क्रिप्ट को खुद डेवलप किया। यह स्क्रिप्ट जो है इसके अंदर लाइव मार्केट में सिग्नल जनरेट होता है, 1 पॉइंट का एसएल, 10 पॉइंट का टीपी, यहां तक कि इस इंडिकेटर के अंदर ट्रेड कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, सेशन क्या है, वॉल्यूम क्या है, फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, ये सारी चीज आपको दी जाती है सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पे मैं लाइव में बता रहा हूँ, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट डायरेक्ट जनरेट होता है, हम आगे लाइव मार्केट में देखेंगे। इस तरीके से यह स्क्रिप्ट जो है ऑल मार्केट में यूज होता है, सबसे बड़ी बात है ऑल मार्केट। tradingview.com के अंदर पूरी दुनिया है, अगर आपको देखना है
किसी भी शेयर का, स्टॉक का, करेंसी का, क्रिप्टो का, ऐसे कोई भी एसेट का, तो आप ट्रेडिंग व्यू में एड अ सिंबल में जाके मेरे स्क्रिप्ट को एक्टिव करके देख सकते हो कहां से एंट्री दिया और कहां से टारगेट दिया, कितने देर बाय में पड़े रहना है, कितने बार सेल में पड़े रहना है, ये मेरी स्क्रिप्ट बताती है। हम लाइव में हम देखेंगे। तो कहने का मकसद है कि यह स्क्रिप्ट आप किसी भी मार्केट में यूज कर सकते हो। इंडियन शेयर मार्केट वाला यूज कर सकता है, स्टॉक मार्केट वाला यूज कर सकता है, करेंसी मार्केट वाला यूज कर सकता है, एसआईपी मार्केट वाला यूज कर सकता है, म्यूचुअल फंड मार्केट वाला यूज कर सकता है, यहां तक कि आप आईपीओ में भी यूज कर सकते हो। ओके, तो इस इंडिकेटर को लेने के लिए ज्यादा कुछ पहाड़ नहीं तोड़ना है। इसकी कीमत है सिर्फ और सिर्फ 3,000। ये चार इंडिकेटर है, बूम जैक 7 है, प्लस बूम जैक 7 है, बूम जैक 8 है, बूम जैक 9 है। इस चारों इंडिकेटर का वन बाय वन मतलब मैं आगे सेशन में बताऊंगा। और हमारा आने वाला जो इंडिकेटर है जनवरी में, बूम जैक 10 है, क्योंकि जितने भी इंडिकेटर्स इंटरनेशनल लॉन्च हो रहे हैं वन बाय वन हम एक्यूरेसी को देख रहे हैं और एनी टाइम हम हमारे इंडिकेटर को अपडेट करते जा रहे हैं। एक तरफ इंडिकेटर अपडेट होते रहेंगे, लोग इसको परचेस करते रहेंगे और एक्यूरेसी हमारी प्लस टू प्लस होती रहेगी। ओके, तो इसी इंडिकेटर को लेने के लिए आपको क्या करना है, सीनियर के थ्रू हमसे कांटेक्ट करना है, उनसे लिंक लेकर रजिस्ट्रेशन करके डायरेक्ट गेटवे में जाके पेमेंट मार के स्क्रीनशॉट लोड करना है, सपोर्ट में जाके आपका ट्रेडिंग व्यू का यूजर आईडी देना है, इंस्टेंट ये सारे इंडिकेटर्स आपके ट्रेडिंग व्यू में लोड हो जाते हैं। लोड होने के बाद आपको इस इंडिकेटर को स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, ये स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, आप लिखते हो और अपने टाइम पे फॉलो करते हो। आपका एक डेमो अकाउंट क्रिएट किया जाता है, सेशंस, वैल्यू, मोमेंट, सारी चीजें बताई जाती हैं, उसको आपको फॉलो करना है। आपने 3,000 दिया, 1 month वैलिडिटी, 1 month इसकी वैलिडिटी है, सीखने के लिए 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना बहुत हो गया मेरे इंडिकेटर को समझने के लिए। इसके बाद आप सीख गए, मास्टर बन गए, किसी भी मार्केट में जाओ, अपना अकाउंट क्रिएट करो, अपना प्लानिंग करो और हमारे करो। पहला पैकेज 3,000 का है 1 month, दूसरा पैकेज 7,000 का है 3 month, तीसरा पैकेज 10,000 का 6 month। जैसे जैसे आप और आपकी कम्युनिटी के अंदर जब जब पैकेज बाय होते रहेंगे तब तक सीनियर को 1,000, 2,000, 3,000 रिलीज होते रहेंगे। ये हो गया बिजनेस का एक पार्ट, सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर बनकर हम काम कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है इसकी हम ट्रेनिंग देंगे। किस मार्केट में यूज करना है आपके ऊपर है। ओके, तो सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे। ऑल मार्केट में इसको आप यूज कर सकते हो, बैंक निफ्टी में भी यूज कर सकते हो, इंडियन शेयर मार्केट के अंदर, करेंसी मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, एसआईपी मार्केट, ऑल मार्केट में आप यूज कर सकते हो और अपने दिमाग से, अपने प्लानिंग से। ये हो गया एक पार्ट। सेकंड जो पार्ट है हमारा प्लानिंग में आने के लिए किसी को जबरदस्ती नहीं है, वो मास्टर बन गया उसको अपने प्लानिंग से काम करना है, कर सकता है। पर बूम जैक प्लानिंग के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ रूल्स है, जैसे कि मैंने बूम का मतलब कंपाउंडिंग, तो ये कंपाउंडिंग वाला पार्ट है। इस पार्ट को मैंने प्रॉपर तरीके से डेवलप किया है जिससे आप और आपकी कम्युनिटी और हम सब सक्सेस हो सकते हैं डिसिप्लिन के साथ। जैसे कि ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर कितना भी फंड रहा तो भी कम है, या बात मानते हो कि नहीं मानते हो मुझे नहीं पता। आप 1 लाख का अकाउंट 2 लाख कर लोगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि भैया फंडामेंटली आप वीक हो जाओगे और वो अकाउंट जीरो करके बाहर निकलोगे। किसी कैंडल को आपने पकड़ लिया, कैंडल आपको अकाउंट के साथ खींच के लेके जाती है। ये आप बात मानते हो कि नहीं मानते हो ये नहीं मुझे पता, पर मैंने ये सारी चीजें बारीकी से ग्राउंड लेवल में ऑब्जर्व किए। हर एक कैंडल से ठोक बच के अच्छे से प्रॉपर तरीके से हर एनालिसिस को मैंने समझा हूं इस मार्केट को, और वो चीजों को मैंने आप लोग के सामने लाया। आज के डेट में ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर 99% लोगों पे डिपेंड रहते हैं, और मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, एक डिसिप्लिन लाने की कोशिश की है, जो कंपाउंडिंग ही एक ऐसा माध्यम है जो डिसिप्लिन और सिस्टम के जरिए आप एक छोटे से पैसे से बड़ा पैसा बना सकते हो।
मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, लाखों रुपया डालो, लाख डालो, 10 लाख डालो और दिन का 5 हजार, 3 हजार, 2 हजार कमाओ। मैं आपको मेरा सॉफ्टवेयर और मेरे प्लानिंग को अगर आपने सही से रीड किया तो प्रोफेशनल ट्रेडर वही है जो $5 से $50 बना और $50 से $5 हजार बना और $5 हजार से $5 लाख बना। क्योंकि डिसिप्लिन बहुत बड़ी जरूरत है। चार चीजें होनी चाहिए आपके अंदर। सबसे पहला टेक्निकल नॉलेज, दूसरा है फंडामेंटल नॉलेज वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या चल रहा है, तीसरा आपका सब्सिस्टेंट माइंड एंड मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये चारों को लेके आप खेलते हो तो ही आप ट्रेडिंग की दुनिया में सक्सेस हो पाते हो। ओके, तो हम सबसे आगे बढ़ेंगे, बूम जैक प्लानिंग के बारे में जानेंगे। यहाँ आने के लिए किसी को भी जबरदस्ती नहीं, अगर आए तो आपको क्या हासिल हो सकता है मैं बताने की कोशिश करूंगा। ओके, तो सबसे पहले बूम जैक प्लानिंग के अंदर आने के लिए कुछ नोट्स है, रूल्स है। पहला रूल, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट का मास्टर होना जरूरी। गोल्ड मार्केट के अंदर $1 का मूवमेंट, कहने को जाए तो 10 पिप। ओके, एक एक पॉइंट्स के मास्टर होंगे तो ही वो बंदा यहाँ पे एंट्री मार सकता है। मुझे कैसे पता चलेगा? एडमिशन लेते ही मेरे सॉफ्टवेयर की पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद उसका डेमो अकाउंट क्रिएट होता है, डेली वो प्रॉपर तरीके से ट्रेड करता है और एडमिन को भेजता है, तो ही मुझे पता चलेगा कि ये बंदा कैपेबल, तो ही मैं उसको ग्रीन सिग्नल दूंगा। आपका और एकेडमी का एक एग्रीमेंट होता है। ओके, यहाँ पे दूसरा रूल है चॉइस योर ब्रोकर। आप ब्रोकर तय करो कि कौन सा ब्रोकर होना चाहिए। ओके, आपका ब्रोकर का नाम उस एग्रीमेंट में लिखा जाता है, माय चॉइस ब्रोकर। ये कल इस बंदे ने विड्रॉल नहीं दिया तो उसके लिए बूम जैक नहीं जिम्मेदार है। तीसरा, फंड डिपॉजिट आप करोगे, एकेडमी लॉट साइज प्रोवाइड करेगी कि किस किस लॉट साइज से आपको ट्रेड लेना। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे। ये चार नोट को आप प्रॉपर तरीके से डायरी में लिख लीजिए ताकि आपको आसानी होगी मेरे बूम जैक प्लानिंग को समझने में। आगे बढ़ते हैं। दो तरह की प्लानिंग है, एक है गोल्ड प्लानिंग और दूसरा है डायमंड प्लानिंग। गोल्ड प्लानिंग के अंदर सफर है 30 ट्रेड का, कितने ट्रेड का? 30 ट्रेड का। और डायमंड प्लान के अंदर भी सफर है 30 ट्रेड का, लाइफ में 30 ट्रेड मारने हैं। अभी ये 30 ट्रेड का क्या फंडा है भाई? 30 ट्रेड का फंडा ऐसा है कि गोल्ड प्लानिंग में अगर आप आते हो तो आपको मैं देने वाला हूं $600 30 ट्रेड मारने को। $600 INR में 50 हजार रुपये। 50 हजार रुपये कमाने के लिए कितना टाइम लगता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। ओके, तो अगर आप डायरेक्ट डायमंड प्लानिंग में आते हो तो आपको क्या मिलने वाला है? 30 ट्रेड मारने के $6 हजार, 5 लाख रुपए। अब ये कब मिलेंगे? 30 ट्रेड मारेंगे तब। अब ये 30 ट्रेड क्या है? हम आगे बढ़ेंगे। एकेडमी के पास 30 ऐसे ट्रेड के लॉट साइज की प्लानिंग डिजाइन की गई है, जिस प्लानिंग के अंदर गोल्ड प्लानिंग के अंदर गोल्ड गोल्ड प्लानिंग में $52 हजार बनता है और डायमंड प्लानिंग के अंदर 5 लाख 20 हजार डॉलर बनता है। तो यहाँ पे लॉट साइज बदलती रहती है। लेना है आपको कितने पॉइंट? 30 ट्रेड लेने हैं पर ट्रेड 2 पॉइंट, यानी टोटल 60 पॉइंट। अब ये 60 पॉइंट कितने दिन में कंप्लीट करना है, ये एकेडमी आपसे सवाल पूछती है कि सर आप हमारे 30 ट्रेड कितने दिन में कंप्लीट करोगे? आप बोलेंगे सर मैं दिन में 1 पॉइंट लूंगा, 10 पिप लूंगा और छुट्टी करूंगा। नो प्रॉब्लम, दिन में 1 पॉइंट लो, हमारे 30 ट्रेड कंप्लीट करो, 60 पॉइंट लो, छुट्टी करो। आप बोलेंगे नहीं सर मुझे और जल्दी सक्सेस करना है, तो दिन के 2 पॉइंट लो, 30 दिन में कंप्लीट करो। आपको और जल्दी करना है, 4 दिन में कंप्लीट करो, चार चार पॉइंट दिन में लो, 15 दिन में आप 60 पॉइंट कंप्लीट करो। आपको और जल्दी करना है तो 6 पॉइंट लो पर डे, 10 दिन में आप कंप्लीट करो। आपको और जल्दी कंप्लीट करना है तो दिन में 12 पॉइंट लो, 5 दिन में कंप्लीट करो। तो कितने दिन में 30 ट्रेड कंप्लीट करना है आपके ऊपर है। आपने सेलेक्ट पॉइंट किया है 1 पॉइंट, एग्जाम्पल के लिए कि आपने बोला कि सर मैं दिन का 1 पॉइंट लूंगा, 1 पॉइंट आपने लिया। पहला ट्रेड जो लगता है गोल्ड प्लानिंग के अंदर 0.03 का और डायमंड प्लानिंग के अंदर लगता है 0.0 0.30 का। तो लॉट साइज हर बार बदलती रहती है, लेना है आपको
दो पॉइंट या एक पॉइंट। अगर आप 60 डे का प्लानिंग सिलेक्ट किए हो दिन में एक पॉइंट, और एक पॉइंट एक्स्ट्रा भी लेते हो तो भी आप 52,000 डॉलर अलग से विड्रॉ लेते हो। जैसे कि कल मार्केट 40 पॉइंट नीचे आया, आपने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, 39 पॉइंट जो प्लान के अंदर सेलेक्ट किया उसके ऊपर का आप कंप्लीट करते हो तो इसमें से अब इतना लोड करना है, ज्यादा नहीं करना है, लाखों रुपए कर्जे लेने की जरूरत नहीं है। 20 डॉलर, 50 डॉलर, 100 डॉलर लोड करके भी हम 52,000 डॉलर बना सकते हैं। गलतियां होंगी, गलतियों को एक्सेप्ट करो, वापस से सीखो, वापस लोड करो और आगे बढ़ो। अगर वो बंदा लोड कर, ये बोनस उसको रिलीज होता है 30 ट्रेड कंप्लीट होने के बाद। 600 डॉलर कब मिलता है? 30 ट्रेड कंप्लीट होने के बाद। उसके पहले क्या मिलता है? जो सेलेक्ट प्लान किया है उसके ऊपर जो भी आता है वो डेली विड्रॉ लेता है। ओके, तो पहले ट्रेड से 10 स्टेप कंप्लीट करता है तो इतनी अमाउंट होती है, इसी में से मैं 50 डॉलर निकाल के उस वाले बंदे को गिफ्ट करता हूँ। 11वां ट्रेड से 20 ट्रेड जैसे वो कंप्लीट करता है 3,500 है, इसमें से $500 विड्रॉ करके अकेडमी आपको दे दी। आप $500 का आपको कैश चाहिए कैश लो, लैपटॉप चाहिए लैपटॉप। 21वें ट्रेड से 30 ट्रेड जिस बंदे ने कंप्लीट किए, कितने दिन में उसने सेलेक्ट किया वो प्लानिंग के हिसाब से, उतने दिन में एकेडमी कमाती है $52,000। जैसे ही $52,000 कमाती है तुरंत एकेडमी, जितना लोड किया उसके राइट साइड में उतना। अगर उसने $20 से स्टार्ट किया था तो उसको $200 रिलीज करती है तुरंत। अगर उसने $50 से स्टार्ट किया था तो $500 रिलीज करती है तुरंत। अगर उसने $100 से स्टार्ट किया था $1,000 देती है तुरंत। कब? 30 ट्रेड मारने के बाद। इसके बाद क्या देती है? कंपनी का कमिटमेंट था 30 ट्रेड मारने के हम $600 देने वाले, मुझे $52,000 में से निकाल के उसको देने, मुझे मेरे घर से देने नहीं। इसके बाद 30 ट्रेड कौन मारेगा? कोई भी मार सकता है। इस मीटिंग में आया हुआ कोई बंदा मार सकता है या आपके माध्यम से आया हुआ कोई शख्स मार सकता है। तो मान लो आपने 30 ट्रेड मार दिए, आपके जितने सीनियर हैं उनकी लिस्ट निकलती है, इसी $52,000 से एकेडमी $10,000 सीनियर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। जितने भी सीनियर हैं उतने टुकड़े होंगे, जितने सीनियर होंगे $10,000 के उतने टुकड़े होंगे। सेकंड थिंग, 10,000 डॉलर मैंने एंजॉयमेंट में डाल दिए। जो बंदा 30 ट्रेड मारेगा उस बंदे को मैं ले जाऊंगा फॉरेन टूर, उस बंदे को भी और उसके सीनियर को भी। कम लोग रहेंगे तो हम दूर जाएंगे, ज्यादा लोग रहेंगे तो करीब जाएंगे। ओके, तो इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे क्या? इसके बाद उसको $3,000 इंस्टेंट गिफ्ट दिया जाता है अलग से। इसके बाद आगे क्या? आगे गुलामगिरी करना नहीं है। आपको क्या करना है? एकेडमी स्टूडेंट को कहती है आपका चॉइस ब्रोकर क्रिएट करो, आपका केवाईसी करो, आपका बैंक डिटेल डालो, आपके अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एकेडमी $3,000 लोड करके देती है। अगले 30 ट्रेड लिख के देती है, दो दो पॉइंट लेता है, आने वाला इनकम $5,20,000 INR में 4 CR+। ये हो गया है गोल्ड प्लानिंग की ताकत। और आगे बताऊंगा डायमंड प्लानिंग के बारे में। सेम रूल है डायमंड प्लानिंग के लिए, यहाँ पे भी आपको 30 ट्रेड कंप्लीट करने हैं, लेना है आपको 2 पॉइंट, लेना है आपको 60 पॉइंट। 60 पॉइंट कितने दिन में कंप्लीट करने हैं आपके ऊपर है। आपको 60 पॉइंट कंप्लीट करने के में यहाँ पे मिलने वाला अमाउंट है $6,000 INR में, 5 लाख रुपए। अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं तो डिपॉजिट भी तो करना होगा। आप डिपॉजिट करते हो 1,000, 2,000, 3,000 डॉलर, ट्रेड को स्टार्ट करते हो। पहले जो भी प्लान सेलेक्ट किया है आपने 1 पॉइंट का या 2 पॉइंट का, उसके ऊपर जितना भी निकालते हो आप डेली विड्रॉ लेते हो। पहला पार्ट, पहले ट्रेड से 10वां ट्रेड आप कंप्लीट करते हो, $2,750 होते हैं, इसी में से एकेडमी $500 विड्रॉ करके आपको एकेडमी गिफ्ट देती है। 11वां ट्रेड से 20वां स्टेप आप कंप्लीट करते हो, 3,035,000 डॉलर होते हैं, इसी में से $5,000 एकेडमी आपको गिफ्ट करती है। 21वें ट्रेड से 30 ट्रेड जो बंदा मारता है कितने दिन में?
उस स्टूडेंट के ऊपर है कितने दिन में, जैसे ही वो 30 स्टेट कंप्लीट होता है वो मेरे एकेडमी से रिटायरमेंट लेता है, आगे क्या करता है, अपने सपनों को पूरा करता है, एकेडमी कमाती है, जैसे ही वो 30 स्टेट कंप्लीट करता है एकेडमी कमाती है $52 लाख। ओके, $52 लाख। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग के अंदर, ये जीरो का मसला, सॉरी। तो जैसे ही वो 30 स्टेट कंप्लीट करता है एकेडमी कमाती है $52 लाख। $52 लाख में जैसे ही एकेडमी कमाती है तुरंत उसका डिपॉजिट बोनस रिलीज किया जाता है, जिस अमाउंट से उसने डिपॉजिट किया था तुरंत उसको राइट साइड के बोनस रिलीज कर दी जाती है। 30 डेट कंप्लीट करने के $6,000 उसको तुरंत दिए जाते हैं। इसके बाद अभी 30 डेट कौन मारेगा, कोई भी मार सकता है, किसके माध्यम से आया बंदा, इसके सीनियर जितने हैं इनकी लिस्ट बनती है और इन सीनियर लोगों में $1 लाख डिवाइड होता है। भाई कितने लोग रहेंगे बीच में मुझे नहीं पता, जितने लोग रहेंगे उतने टुकड़े होंगे $1 लाख के। ये हो गया सेकंड थिंग, फॉरेन टूर, जो बंदा 30 स्टेट मारेगा वो और उसके सीनियर फॉरेन टूर के लिए आते हैं, $1 लाख मैंने एंजॉयमेंट में डाला है। $30,000 उसको अलग से उस स्टूडेंट को गिफ्ट दिया जाता है और उसके KYC चॉइस ब्रोकर अकाउंट के अंदर एकेडमी $30,000 लोड करके देती है। एकेडमी उसको नेक्स्ट 30 डेट लिख के देती है, दो दो पॉइंट वो लेता है, आने वाला इनकम $52 लाख। उसके ट्रेडिंग अकाउंट में $30,000 लोड करने के बाद अगर वो गायब भी हो गया तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। दुनिया की ये पहली ऐसी एकेडमी है जिस एकेडमी के अंदर बंदा आता है सीखता है, एक एक दो दो पॉइंट जनरेट करके मास्टर बनता है, एकेडमी प्लानिंग में आता है, डिपॉजिट करता है, प्रॉपर तरीके से लॉट साइज लेता है, स्टेप कंप्लीट करते जाता है, एक पॉइंट के जो भी सेलेक्ट करता है उसके ऊपर विड्रॉ लेता है, 10 स्टेट कंप्लीट करता है गिफ्ट लेता है, 20 स्टेट कंप्लीट करता है गिफ्ट लेता है, 30 स्टेट कंप्लीट करता है, जो भी अमाउंट उसको मिलनी है $600 मिलता है। इसके बाद वो बंदा फॉरेन टूर को जाता है और $30,000 लेता है। इसके बाद उसके ट्रेडिंग अकाउंट में $30,000 लोड कर दिया जाता है, अगले ट्रेड वो अपने लिए मारता है और अपने सपनों को पूरा करता है। तो ये हो गया मेरे प्लानिंग के बारे में। तो आगे का जो भी कारोबार है सर जी थोड़ा देख लीजिए सर, तब तक मैं लाइव मार्केट में सेटअप करता हूँ सर। यस यस सर, यासिन सर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने प्लान के बारे में यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया है। बहुत ही कम समय में आपने बहुत बढ़िया प्लान के बारे में बताया है। दोस्तों, ये जो 30 ट्रेड का जो आपको बताया है, ये हम लोग मंडे को लाइव बैठने वाले हैं, तो आपके जो भी सीनियर होंगे उनका उनके पास में आप आपका नाम, मोबाइल नंबर, आपका ब्रोकर का नाम आप प्लीज दे दीजिएगा, क्योंकि हम लोग मंडे से इसको स्टार्ट करेंगे। जो लोग जो लिस्ट में रहेंगे, अगर आपने नाम दिया उन्हीं लोगों को उसमें लिया जाएगा, नए लोगों को उस मीटिंग में नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, तो आपके जो भी सीनियर है उनके पास में आप नाम और मोबाइल नंबर दीजिएगा, जिनका एडमिशन हुआ उन्हीं लोगों को परमिशन होगा, नए लोगों के लिए नहीं होगा। दोस्तों, वन मिनट सर, ओके ओके सर, यस सर। तो आप लोग अपने अपने सीनियर के पास में आपका नाम, मोबाइल नंबर ये आप दे दीजिएगा। मंडे को हम लोग दो टाइम हम लोग ने सिलेक्ट किए हैं, हो सकता है 9 बजे का लिंक आप तक आ जाए या 11:30 बजे का लिंक आप तक आ जाए। हम लोगों का टारगेट है कि डेली का हम लोग 5-5 पॉइंट लेके, सॉरी 12-12 पॉइंट लेके 5 दिन में इस गेम को और कर दे। गेम मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सही में ये गेम ही होने वाला है। हम लोग ऐसा मार्केट में हिस्ट्री क्रिएट करेंगे कि आने वाले 100 साल तक
उसको ब्रेक नहीं कर पाया कोई, ये इसके इसलिए हम लोग मार्केट में आए हैं दोस्तों। और हम लोग प्रैक्टिकली हमें आपको बताते हैं, हम कोई हमें कोई ट्रेनर को लाके या इसमें कोई मॉडिफाई करके आपको नहीं बताते हैं, हम लोग प्रैक्टिकली आपके सामने हैं। तो मंडे से हम लोग शुरू करने वाले हैं। यस सर, सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, क्लियर आ रही है सर। हाँ, जिन्होंने एडमिशन लिया है पेन डायरी लेके रेडी रहे। स्टार्ट टू एंड में मेरे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ, स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है। और जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वो बाद में एडमिशन लेकर भी कर सकते हैं। आप मेरे नॉर्मली पेन पेपर लेके आप राइटिंग में लिख सकते हो, और वो मालूमात मैं देना चाहता हूँ कि मेरा स्क्रिप्ट कैसे यूज करना है। ओके, तो मेरे स्क्रिप्ट के नाम जो है, सबसे पहला जो इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा, आपके ट्रेडिंग व्यू में इनवाइट स्क्रिप्ट के अंदर ये सारे इंडिकेटर रहेंगे। सबसे पहला इंडिकेटर का नाम बूम जैक 8A लिख लो। वन बाय वन मैं इस इंडिकेटर के बारे में बताना चाहता हूँ। दो तरह की ट्रेडिंग होती है। बूम जैक 8A क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कैसे स्टार्ट करना है, ये भी देख लीजिए फटाफट। मोस्टली ऑफ द ट्रेडर लोग को पता ही नहीं होता इंडिकेटर कैसे निकालना है और इंडिकेटर कैसे लगाना। तो सबसे पहला कौन सा इंडिकेटर लगाना है? बूम जैक 8A। एक टाइम में दो ही इंडिकेटर एक्टिव होते हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर। हमारे इंडिकेटर कितने हैं? चार। पहला इंडिकेटर कौन सा एक्टिव करना है? बूम जैक 8A। आगे हम लिखो तीन लाइन वाला इंडिकेटर, स्टार मार के फटाफट लिखो तीन लाइन वाला इंडिकेटर। ओके, फर्स्ट लाइन स्टार मारो, नीचे लिखिए फर्स्ट लाइन फर्स्ट कंफर्मेशन, फर्स्ट लाइन फर्स्ट कंफर्मेशन, सेकंड लाइन फाइनल कंफर्मेशन। अभी मैं यहाँ लाइव दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए दो रेड हुई सेल मारे, दो ग्रीन हुई बाय मारे, दो रेड हुई सेल मारे, दो ग्रीन हुई बाय मारे। ओके, फर्स्ट लाइन फर्स्ट कंफर्मेशन, सेकंड लाइन फाइनल कंफर्मेशन, तीसरी जो लाइन है उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग लाइन। मार्केट में हमें कितने देर टिके रहना है ये बता दी। जैसे कि आप देख लीजिए, दो लाइन रेड हुई, तीसरी लाइन रेड हुई, यहां से लेके यहां तक मार्केट गिरी, बहुत सारे लोग पैनिक में ट्रेड लगा के फंस जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे दो ग्रीन हुई तो ही हमें एंट्री मारना है, उससे पहले मारना नहीं। ओके, तो बूम जैक 8A को दो तरह की ट्रेडिंग होती है। पहला होता है स्कैल्पिंग, दूसरा होता है पोजीशन। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए आपको लगाना है 5 मिनट टाइम फ्रेम। एक एक दो दो पॉइंट तीन तीन पॉइंट प्रॉपर तरीके से आप निकाल सकते हो। ये बिटकॉइन का लाइव मार्केट का चार्ट दिखा रहा हूँ और हमें हमारी कंपाउंडिंग पूरी करनी है गोल्ड के ऊपर। ओके, तो मैं लाइव मार्केट में समझने के लिए मैं इस चार्ट को यूज कर रहा हूं। अगर आपके अदर करेंसी में भी चेक करना तो हम चेक कर सकते हैं, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो जैसे कि इस इंडिकेटर को समझने के लिए स्कैल्पिंग के बारे में मैंने बताया आपको, अभी पोजिशन ट्रेड के बारे में बताता हूँ। मोस्टली ऑफ द ट्रेडर लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई कितने देर बाय में पड़े रहे ना, कितने देर सेल में पड़े रहे। ओके, तो हम देखेंगे यहाँ पे बहुत जबरदस्त बिटकॉइन के ऊपर ये जो रैली बनी है, और बहुत बहुत सारे ट्रेडर 5 5 मिनट 15 15 मिनट में पैनिक माहौल में ट्रेड लगाते हैं और बड़े पोजीशन ट्रेड के सपने देखकर पड़े रहते हैं। मार्केट घूम जाता है और डर के मारे लोग बाहर निकल जाते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे बीटीसी ने भी मैं गोल्ड के बारे में बताऊंगा, गोल्ड के मार्केट के अंदर ऐसा क्या हुआ थोड़े दिन पहले। इस एक इंडिकेटर को आप पोजीशन ट्रेड के लिए यूज करके बहुत बड़े बड़े पॉइंट जनरेट कर सकते हो। मैं लाइव बताने जा रहा हूँ जो जो चीजें पीछे बीती उसके बारे में। जैसे कि हम देखेंगे, देखो ये अभी रेड का सर्कल चल रहा है, ऊपर मैच करो, ग्रीन का सर्कल चल रहा है ऊपर मैच करो, रेड का सर्कल चल रहा है ऊपर मैच करो, ग्रीन का सर्कल चल रहा है ऊपर मैच करो। ओके, तो ये रेड का सर्कल ग्रीन के सर्कल को आपको समझना है, लास्ट वाली लाइन को भी आप फॉलो करेंगे, बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स आपको मिलेंगे। देखिए लास्ट वाली लाइन रेड, लास्ट वाली लाइन ग्रीन, देखिए मार्केट कहाँ था, ये देखिए सिर्फ लास्ट वाली लाइन को आप फॉलो करेंगे। ओके, तो ये लास्ट वाली लाइन रेड, देखिए मार्केट नीचे ही आई, लास्ट वाली लाइन ग्रीन, रेड के बाद ग्रीन, तो
मार्केट के अंदर कितने देर टिके रहना है, मोस्टली ऑफ द ट्रेडर, ट्रेडिंग की दुनिया में सेलिंग ट्रेंड में बाय के ट्रेंड लगा के अपने अकाउंट को हेज में डाल के उड़ा देते हैं, और बाइंग ट्रेड में सेलिंग के ट्रेड लगा के अपने अकाउंट को हेज में उड़ा देते हैं। ये बात मानते हो क्या नहीं मानते हो, जिसके साथ ये सारी चीजें घटी है वो अपने हालात हाजरा को बयां कर सकता है खुशी के साथ कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तो हम आगे बढ़ेंगे, दो रेड हुआ आपको मारना है सेल, ग्रीन का सर्कल खत्म होते ही लास्ट वाली लाइन रेड हुई। दिन है 22 सितंबर, मार्केट 1927, सेल में पड़े रहो, लास्ट वाली लाइन बोलती है सेल में पड़े रहो। पर यहाँ पे मोस्टली ऑफ द ट्रेडर लोगों ने बाय में ट्रेड लगाया, बाय में लगाया, बाय में लगाया, वो लोग जिनको पता ही नहीं कि भैया अभी सेल में पड़े रहना है। पर मेरे एक इंडिकेटर ये लास्ट वाली लाइन क्या बोलती है, सेल में पड़े रहो। ओके, तो पड़े रहे सेल में, जैसे ऊपर की दो लाइन ग्रीन हुई हम यहाँ आ जाते हैं 1826, कितने पॉइंट हुए, 100 पॉइंट, $100 का मोड। ओके, तो इसको हमें समझना है अच्छे से और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दो ग्रीन हुई, 6 अक्टूबर को क्या हुआ था बताने की जरूरत नहीं, लास्ट वाले ग्रीन पे भी हम बाय करते हैं, चलो यहाँ से आ जाते हैं 1843, लास्ट वाली लाइन बोलती है पड़े रहो बाय में, पड़े रहो बाय में, पड़े रहो बाय में, जैसे ही दो रेड हुई मार्केट किधर थी, 2000, बराबर 200 पॉइंट का मूवमेंट दिए है, बराबर। अभी यहाँ पे हम देखेंगे जैसे थोड़ा अप गया, यहाँ पे रेड आया, कुछ लोगों ने सेल मार दी, चलो भाई नीचे जाएगा, वापस अप गया, थोड़ा रेड हुआ, वापस अप गया, रेड गया, अरे भाई ये तो अपना अकाउंट डैमेज हो रहा है, चलो भाई जल्दी हैज में डाल देते हैं, भाई ने हैज में डाल दिया। ओके, डालने के बाद पता चला और ऊपर गया, भैया यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ पे अरे भाई अभी तो रेड हो गया, इतना बड़ी कैंडल बनी है, तो अभी अपन क्या करते हैं हैच को खोल देते हैं ताकि नीचे आएगा तो अपना कवर कर लेगा। भाई साहब जैसे ही दूसरी कैंडल बनी वो अप ले गई, अप ले गए और डायरेक्ट उठा के यहाँ तक ले गए। तो ये बंदा मार्जिन और लिवरेज डैमेज करके अपने अकाउंट को वॉश आउट करके बैठ गया। ओके, जिसको पता है वो बाय में पड़ा रहा, जिसको पता नहीं ये हैज में डाल के और मार्जिन लिवरेज के लपड़े में पड़ के अपने अकाउंट को जीरो करके लोग बैठ गए। तो मेरी ये एक इंडिकेटर ने यहाँ पे बोला इस कैंडल से कि भैया बाय में बैठे रहो, लास्ट वाली लाइन बोलती है पड़े रहो बाय में, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कितने पॉइंट्स दिए, 200 पॉइंट दिए। तो ये हमको समझना है पोजीशन ट्रेड के लिए इस इंडिकेटर को आप लॉन्ग टर्म तरीके से यूज करके बड़ा बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे इस इंडिकेटर को यूज करेंगे उतना बड़ा प्रॉफिट आप बना सकते हो। ये हो गया मेरे एक इंडिकेटर की ताकत, बूम जैक एटे। हम आते हैं दूसरा इंडिकेटर, लिख लो बूम जैक 7A। बूम जैक 7A 5 मिनट टाइम फ्रेम रखना है, यहाँ पे हमें करना है स्कैल्पिंग, कितने पॉइंट, एक एक पॉइंट। अभी बूम जैक 7A इंडिकेटर क्या है लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, यह एक सेशन इंडिकेटर है, सेशन, सेशन इंडिकेटर का मतलब मार्केट मोमेंट टाइम टेबल। मोस्टली ऑफ द ट्रेडर को पता ही नहीं कि भैया मोमेंट कब स्टार्ट होता है, बराबर सर। तो लिख लीजिए मार्केट मोमेंट टाइम टेबल, ये फ्राइडे का मार्केट आपको दिखा रहा हूं, लिख लीजिए टाइमिंग फटाफट। एशिया वाले, लंदन वाले और न्यूयॉर्क वाले कब आते हैं धांगड़ दिंगा करके और कब चले जाते हैं, ये भी हमें मालूम होना जरूरी है। तो ये टाइम टेबल लिख लीजिए अच्छे से, एकदम थोड़ा सा जूम करता हूँ सर, मेरी स्क्रीन क्लियर आ रही क्या? एकदम क्लियर है सर। यस सर। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि मैंने बूमजा केटे के बारे में बताया था कि दो ग्रीन हुई तो हमें बाय मारना है। देखिए सर, मार्केट ओपन होता है, एशिया मार्केट ओपन होता है 5:30 बजे और खत्म होता है सुबह 11:30 बजे। सुबह 5:30 बजे ओपन होता है और सुबह 11:30 बजे बंद होता है, लिख लीजिए फटाफट। रिट्रेसमेंट टाइम, हमने बोला कि दो ग्रीन हुआ बाय मारो, दो रेड हुआ सेल मारो। ओके,
रिट्रेसमेंट टाइम लिख लीजिए 8:35। 8:35 में मार्केट इससे पहले अगर नीचे से ऊपर आया तो इसके बाद ऊपर से नीचे ही जाएगा। आपको ओपन होते लेना 1 पॉइंट और रिट्रेसमेंट में लेना 1 पॉइंट। कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट। ओके, तो सेकंड सेशन का लिख लो, लंदन सेशन। लंदन वाले कब आते हैं धांगड़ दिंगा कर? 12:30 बजे। दोपहर 12:30 बजे आते हैं। 12:30 बजे लंदन स्टार्ट होता है और खत्म होता है दोपहर 3:30 बजे। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे अच्छे से एकदम रिट्रेसमेंट टाइमिंग लिख लो। रिट्रेसमेंट टाइमिंग 2:05। देखिए लास्ट वाली लाइन क्या बोल रही है, सेल में पड़े रहो। इसके पहले मार्केट ऊपर से नीचे आई, आप 1:07 बजे की कैंडल क्लो क्लोजिंग का वेट किए, आप यहां से ट्रेड लिए, यहां से 1 पॉइंट का एसएल लेके 2028,400 मार्केट गई 2030। ओके, तो हमने बोला कि भाई ओपन होते 1 पॉइंट और रिट्रेसमेंट में 1 पॉइंट, या तो आप और रिट्रेसमेंट नहीं समझ में आता तो रिट्रेसमेंट में 2 रेड होते सेल मारो, 2 ग्रीन हुए तो बाय मारो, इतना करके निकल जाओ तो भी चलेगा। तो 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट वहां, कितना हुए? 4 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, न्यूयॉर्क मार्केट बहुत अच्छी धुलाई हो जाती है एक्सपर्ट ट्रेडर लोगों के इस टाइम में, और मोस्टली ऑफ द ट्रेडर्स ट्रेनर्स कहते हैं कि भैया इस मार्केट से दूर रहो। हम कहते हैं दूर मत रहो, पास रहो। कब रहना है करना है आपको ट्रेड हम बताते हैं। कल का ये मार्केट है, सारी दुनिया कंफ्यूज कि भाई न्यूज में क्या होने वाला है। तो मेरे एक एक इंडिकेटर ने बोला कि भैया तुम सेल में पड़े रहो। तो यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कल के मार्केट की बात। हमने क्या बोला, 2 रेड हुआ तो सेल मारना है। ये देखिए 2 रेड। न्यूज कितने बजे थी? 7 बजे की न्यूज थी। 5:35 में मेरे इंडिकेटर ने कहा कि भैया सेल में पड़े रहो। आप सेल में पड़े रहे। ओके, लास्ट वाली लाइन रेड कब हुई? 5:55। हम पड़े रहे सेल में, पड़े रहे सेल में, जैसे 2 ग्रीन हुए हम निकल गए यहां से। कितने पॉइंट दिए? 29, 30 पॉइंट। ओके, अभी यहाँ पे आप लिख लो कब चालू होता है। शाम को 5:30 बजे न्यूयॉर्क सेशन चालू होता है, अब खत्म होता है रात के 8:30 बजे। अभी यहाँ पे हमने रिट्रेसमेंट टाइमिंग दिया है, क्या दिया है देखिए भाई साहब, रिट्रेसमेंट हमारा 7:05 का रिट्रेसमेंट। इसके पहले हम मार्केट अगर ऊपर से नीचे आई तो इस टाइम में नीचे से ऊपर जाएगी, और मार्केट नीचे से ऊपर गई तो इस टाइम में मार्केट ऊपर से नीचे आई। आप देखिए 7:05 की कैंडल हैमर बनी है, और आप यहां से बाय लेते 2018 से 2026। कितने पॉइंट हुए? 7-8 पॉइंट हुए। अपने को कितना पॉइंट लेना है? ओपन होते 1 पॉइंट, रिटेस्ट में 1 पॉइंट, ओपन होते 1 पॉइंट, रिटेस्ट में 1 पॉइंट, दिन में लिए 6 पॉइंट। मेरा 30 का सर्कल 60 पॉइंट कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? 10 दिन में कंप्लीट हो रहा है। 10 दिन में गोल्ड प्लानिंग के अंदर आप एंटर करके ट्रेड करते हो डिसिप्लिन के साथ, तो आप लखपति बनते हो, और अगले 30 ट्रेड खुद के लिए मार के आप करोड़पति बनते हो। ये चीज कंपाउंडिंग के माध्यम से हो सकता है अगर आपने डायरेक्ट डायमंड प्लानिंग में एंट्री ली और एक एक पॉइंट प्रॉपर सेशन वाइज निकाले, तो आप 100% डायरेक्ट करोड़पति बन सकते हो। तो इसको आपको थोड़ा सा समझना है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ट्रेड मार के दिखाओ, तो मैं यहाँ पे मेरे स्टूडेंट को मैं बता रहा हूँ कि भैया ये मेरे 2 इंडिकेटर को एक्टिवेट करो जिन्होंने एडमिशन लिया है, और पूरे महीने की रिपोर्ट निकालो, मार्केट घूम रही है या नहीं, मार्केट बाय में जा रही है नहीं, या सेल में जा रही है या नहीं। सारी दुनिया कंफ्यूज थी कल कि भैया मार्केट कहाँ जाएगा। यहाँ पे 2 रेड हुआ, ये लास्ट वाली लाइन में रेड बोला, आप सेल में बैठ गए।
मार्केट कहाँ से कहाँ गया आप बताइए। ओके, तो इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सीखना है, समझना है, आगे बढ़ना है। ये दो इंडिकेटर के बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ, बूम जैक 7+ है, लिख लीजिए, बूम जैक 7+ है। यह एक इंडिकेटर एनी टाइम एक्टिव रखना है, सेशन हो गया बाकी टाइम में अपने को ट्रेड करना है, आ जाओ मैदान। बहुत ही जबरदस्त इंडिकेटर, ये डायरेक्ट ब्रेकआउट जनरेट करता है देखो, ब्रेकआउट, इसको अप नहीं गई, क्रैश नहीं कर पाया, डायरेक्ट नीचे गिरा। ओके, बाद में यहां से आने के बाद यहां से लॉन्ग शॉट को भी आप फॉलो करते हो तो भी आप एसएल लेके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, पर जब लॉन्ग में जाना है तो लास्ट वाली लाइन को देख के चले, और सेल में जाना है तो लास्ट वाली रेड लाइन को देख के चले। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं, और इस इंडिकेटर को आप, अगर मैं करेंसी सजेस्ट करूंगा यूएस ऑयल पे, अगर इससे आपने अच्छे से फॉलो किया तो 5 मिनट टाइम है, दिन में आप प्रॉपर ट्रेड आप मार सकते हो यूएस ऑयल पे। ये देखिए सर, यूएस ऑयल बहुत ही जबरदस्त करेंसी है, इस पे आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अच्छा एंट्री और ले सकते हो 0 पॉइंट्स के ऊपर। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर का जो नाम है बूम जैक 9A, बूम जैक 9A, यह एक सिग्नल क्रिएट इंडिकेटर है, गोल्ड के मार्केट में जाते हैं, लिख लीजिए। ये देखिए कल जनरेट हुआ, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सिग्नल जनरेट हुआ, तो 1 पॉइंट का एसएल, 2 पॉइंट का टीपी देके मॉडिफाई करके आगे बढ़ना। जैसे कि यहाँ पे भी सिग्नल जनरेट हुआ था, एंट्री यहाँ पे दिया, देखिए यहाँ से लेके 2009 2014 बराबर है, तो मॉडिफाई करके आगे बढ़ना है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 2 ग्रीन हुआ, बाय मारो, लास्ट वाली लाइन ग्रीन हुई, बाय मारो, और यहाँ पे देख लीजिए लास्ट वाली लाइन रेड हुई, सेल मारो। ये देखिए, इसको थोड़ा सा समझ के आपको आगे बढ़ना है, तो ये चीज को हमें समझना है। 15 मिनट और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे सिग्नल जनरेट हुआ, आप बिंदास ट्रेड ले लो। आप ये जो क्लाउड है इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, ग्रीन के सर्कल के बाद रेड बनती है, तो मार्केट, अगर क्लाउड ऊपर है तो मार्केट नीचे जाती है, अगर क्लाउड नीचे रही तो मार्केट ऊपर जाती है। देखिए सर, नीचे रहे तो ऊपर जाती है, ऊपर रहे तो मार्केट नीचे जाती है, इसको भी अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है। वो जबरदस्त मोमेंट दिया हुआ है, उस दिन का मोमेंट है ये देखिए सर। ओके, तो क्लाउड नीचे है मार्केट ऊपर, क्लाउड ऊपर है तो मार्केट नीचे। तो मेरे हिसाब से सेशन का वैल्यूम, मार्केट का वैल्यूम हमने सेशन इंडिकेटर बुमजैक 7A और 8A को एक्टिव करके पकड़ा है। सेकंड जो वैल्यूम का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है, मैं बताता हूँ, न्यूज कब आता है वैल्यूम, न्यूज न्यूज हम कहाँ देखेंगे, जिनको पता नहीं उनके लिए forexfactory.com, वेबसाइट को ओपन करना है, पूरे वीक के रिपोर्ट बताए जाते हैं यहाँ पे, हम देखेंगे, हर संडे को रिलीज होती है, तो यहाँ पे जब भी यहाँ हम देखेंगे रेड रहे, रेड तो इसका इम्पैक्ट गोल्ड पे, गोल्ड के ऊपर बहुत भारी पड़ता है ये रेड के टाइम में। ओके, तो इस वक्त हमें अलर्ट रहना है। जैसे कि कल की न्यूज देखिए, 7 की न्यूज 8:30 की न्यूज, बहुत बड़ा मोमेंट हुआ है इसके वजह से, तो इसे हमें समझना है अच्छे से, और न्यूज के टाइम में अलर्ट रहना है। इसके बाद ये दोनों चीजें हो गई तो हम कहाँ जाएंगे, फंडामेंटल, फंडामेंटल माई एफएक्स बुक लिख लो, माई एफएक्स बुक, माई एफएक्स बुक में जाएंगे, फॉरेक्स सेंटिमेंट ने यहाँ पे कितने परसेंट लोग बाय में बैठे और कितने परसेंट लोग सेल में बैठे हैं ये बताती है। इसके माध्यम से मार्केट का डायरेक्शन आप पकड़ सकते हो। XAUUSD 55% सेल में, 45% बाय में, 70-30 के रेशियो में आप प्रॉपर मार्केट को पकड़ सकते हो। न्यूज एनालिसिस करके आप प्रॉपर ट्रेड निकाल सकते हो। या आगे चल के कुछ सेशंस ऐसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे जिसके माध्यम से हम लाइव ट्रेड मारकर
हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से जो भी सवाल था सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वो पूरे हो चुके हैं, और आगे का जो भी है सर आप जरा यस देखिए। यस यस सर, यस सर, थैंक यू यशवंत सर, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने मार्केट के बारे में बताया, प्लान के बारे में बताया, बूमजैक सिस्टम के बारे में बताया। यहाँ पे दोस्तों अभी इस समय हमें किसी की राय नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रैक्टिकल। जो राय देने की जो उम्र है वो हमारी चली गई है, क्योंकि हम लोग आने वाले 100 साल जीने वाले नहीं है। जिनकी जिन्होंने 45 क्रॉस किया है, भाई 1 साल 1.5 साल काम करो, नहीं कर सकते हैं। 1 साल में ऐसा कुछ क्रिएट करो कि आने वाली 100 पीढ़ी आपको याद रखे। 1 साल में ऐसा कुछ क्रांति करो कि आने वाला मार्केट आपको याद रखे। 1 साल में ऐसा कुछ करके दिखा दो कि जो आपने आज तक जिंदगी में कभी भी किया नहीं है। तो जिन्होंने भी आपको यहाँ पर इनवाइट किया है, प्लीज आप उनके साथ में बैठे, इस प्लान के बारे में, सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी लें, सिस्टम का माध्यम बने, सिस्टम का हिस्सा बने और अपने सपनों को पूरा करें। हम लोग हमेशा, आप क्यों बोलते कि अपने सपनों को पूरा करेंगे, क्योंकि हम लोग काम करते ही है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो आज तक आप लोगों ने जहां भी अपना पैसा गवाया है, मुझे मालूम नहीं कहाँ गवाया है, यहाँ पे आपको कमाने के लिए, गवाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो भी है कमाने के लिए भी, कमाने के लिए ही है। और हम लोग मंडे से, जैसे हम लोग ने मीटिंग शुरू की है, हमने प्लानिंग शुरू की है, हम लोग जो चीज बोलते जा रहे हैं वो चीज करते जा रहे हैं। जो कमिटमेंट बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, जो कमिटमेंट बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, जो कमिटमेंट बोलेंगे वो करेंगे, बोलेंगे वो करेंगे, बोलेंगे वो करेंगे, बोलेंगे वो ही करेंगे। क्योंकि हमें प्रैक्टिकल में यहाँ पे कुछ करके दिखाना है, ना कि बोलने के बाद में वो चीज लोग, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं और नहीं करते हैं। मैंने देखा 99% कंपनियां या 99% लोग जो चीज बोलते हैं वो करते नहीं है। तो हमने जैसा बताया था कि मैं अनाउंसमेंट हमेशा करते आया हूँ, आपको बोलते आया हूँ कि आपका अपलाइन को आपका नाम दे दीजिए। मंडे को हम लोग 9 बजे, हो सकता है 9 बजे या 11 बजे, ये दो टाइम में से हम लोग लाइव बैठने वाले हैं 40 लाख का ट्रेडिंग करने के लिए। सॉरी दोस्त, जिन्होंने आपको बुलाया है आप उनके साथ में कांटेक्ट करें, या जिनके माध्यम से आप आए, हो सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से, हो सकता है व्हाट्सएप के माध्यम से आए, उनके एडमिन को आप कांटेक्ट करें। यहाँ पे डायरेक्टली किसी को भी अलाउ नहीं करते कंपनी। जिनके भी माध्यम से आपको लिंक मिला है, प्लीज आप उनके माध्यम से उनके साथ में बैठे, उनके साथ में डिस्कशन करें और सिस्टम का हिस्सा बने और अपने सपनों को पूरा करें। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग मीटिंग की समाप्ति की ओर जा रहे हैं। फिर से एक बार रिमाइंड करता हूँ, फिर बाद में मत बोलिएगा कि हमें बताया नहीं करके। मंडे को हम लोग दो टाइम में से एक टाइम चॉइस करने वाले हैं, और हमारा जो टारगेट है डेली का 12 पॉइंट लेने का, तो हम लोग 5 दिन में इस गेम को ओवर करके कुछ क्रांति करके मार्केट में हम लोग दिखाने वाले हैं। दोस्तों आगे क्या होगा आप कुछ समझ सकते हैं, आप कुछ समझदार हैं, तो इसलिए हम लोग जो भी बोलेंगे वो करेंगे। हम लोग करने पे विश्वास रखते हैं, ना कि बोलने पे। तो जिन्होंने भी आपको बुलाया है, प्लीज उनके साथ में बैठे और डिस्कशन करें। तो मैं सर यहाँ मैं इस कुछ बोलना मीटिंग को चाहता मैं, हूँ, सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जितने भी साथी लोग जो मतलब प्लानिंग के अंदर आना चाहते हैं, क्योंकि प्लानिंग क्या होने वाली है, कैसे होने वाली है, इसकी स्पेशल डिस्कशन कल सुबह हम लोग रखेंगे 11 और 12 के बीच में। तो उस टाइम में जिन जिनको प्लानिंग के अंदर आना है वो सभी आइए। उस मीटिंग के अंदर प्रॉपर डिस्कशन होगा, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड की जाएगी सर। यस सर, मगर एंट्री उन्हीं लोगों को होगी जो लोग नाम देंगे। तो
नए लोगों के लिए हम लोग वहां पे एंट्री नहीं रख रहे हैं दोस्तों, तो अपना नाम दे दीजिएगा, जिन लोग के नाम हम तक आएंगे उन्हीं लोगों को उसमें एंट्री मिलेगी। तो चलिए फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप लोग इस मीटिंग में आए, आपने जो समय दिया हमारे लिए, समय दिया आपके खुद के लिए, समय दिया, और मैं इस मीटिंग को यहाँ पे समाप्ति की ओर ले जाता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों कल के संडे के 7:30 बजे की मीटिंग में, तब तक के लिए यहाँ पर हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।